एसपाल कल नारोबाद में भी इंटेलिजेंस टेस्ट का इनका किया गया है, मजीद बताएंगे आमिर सफीर। बिल्कुल, इस वक्त मैं नारोबाद में मौजूद हूँ जहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट जो है बिल्कुल बच्चों का लिया गया है। मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल भी मौजूद हैं यहाँ और उनके साथ साथ जो फ्लोर इंचार्ज हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं एस्पायर कॉलेज के मुतालिक कि ये कैसा फील कर रहे हैं इसको ज्वाइन करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एस्पायर कॉलेज नारोबाद में, नारोबाद डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में एक कसीर तादाद जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट देने के लिए एस्पायर कॉलेज नारोबाद में तशरीफ लाई है। एस्पायर कॉलेज नारोबाद ना सिर्फ बच्चों की तालीम बल्कि तरबियत पे भी फोकस करता है, इसीलिए एस्पायर कॉलेज नारोबाद जो है वो पेरेंट्स के लिए एक पुरएतमाद इदारा है जिसमें टीचर्स अपनी 100% एफर्ट्स करके हर साल एक टॉपर्स जो है वो मार्केट को देते हैं और वो टॉपर्स मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन लेते हैं और इस कम्युनिटी को अपनी कंट्रीब्यूशंस देते हैं। अब जो हम फर्दर फोकस कर रहे हैं, हमने ऑडिटोरियम हॉल्स बनाए हैं जिसमें हम बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे, मेडिकल स्टूडेंट्स की, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, और इस इलाके में सबसे बेहतरीन इदारा एस्पायर कॉलेज नारोबाद होगा। किसी भी अदारे की जो पहचान है, जो उसकी बैकबोन है, वो उस अदारे का एग्जामिनेशन सिस्टम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल के अंदर हम पहले 5 महीनों में 5 मंथली टेस्ट लेते हैं, उसके बाद 1 दिसंबर टेस्ट लेते हैं, उसके बाद 8 किस्म के चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। ये सारा सिस्टम मिलके एक एकेडमिक्स बनाता है। अगर मैं अपने कॉलेज की एस्पायर की फैकल्टी की बात करूं तो हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे वेल क्वालिफाइड। जी, आपने जाना कि एस्पायर कॉलेज के पास एमफिल टीचर्स हैं और जो तालीम याफ्ता टीचर्स प्रोफेसर इस कॉलेज में हैं वो किसी दूसरे कॉलेज में नहीं हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने।